नमस्कार, योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। आज की शाम की शुभकामनाएं, छह की जगह आज 5 बजे मिले हैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर। तो प्रश्न कहां से पूछे गए, प्रश्न कैसे आए थे, प्रश्न का सोर्स क्या था और प्रश्न क्या कितने आए, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना आया, क्या हमसे पढ़ने के बाद कोई फायदा हुआ, इन सभी विषयों पे आज हम आपसे बात करने आपके सामने हैं। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। उम्मीद है आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। चंदन टंडन जी, वेरी गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, कैसा गया बिहार के बच्चों का एग्जाम? मैं पहले पूछना चाहता हूं, जितने प्रतिशत बच्चे एग्जाम बिहार से हमसे पढ़ रहे थे, कैसा गया उनका एग्जाम? और अब मैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लेकर आपके पास में हूं कि ये प्रश्न कहां से आए थे, इस प्रश्न का सोर्स क्या था और ये प्रश्न के लिए क्या क्या आपको मेहनत करनी थी, क्या हमारी स्ट्रेटजी लगी है, मतलब निशान पे लगी है या सलो? कैसा गया एग्जाम बिहार के बच्चों? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया था, सुपर डुपर पेपर था ना। देखो भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने हमारी 12th की YouTube की पूरी क्लास अटेंड की है, जिसने टॉप 30 डेज का हमारा क्लास अटेंड किया है, उनसे ये जरूर बनेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा उनसे, और उनके लिए ये बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। 32 सही हुआ, कोई बात नहीं, 110% सही होना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छा गया था, ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं गया, चलिए मैं देखता हूं, उसके जवाब दूंगा आपको और इसमें सबसे बेहतर क्या हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपका सॉल्यूशंस निकालेंगे। 6 बजे आप लोगों के लिए गिफ्ट है, 6 बजे भी आइएगा, 6 बजे भी मैं आपसे मिलूंगा, 6 बजे आप सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है, पूरे एंटायर बोर्ड सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है, ये कोई खास बोर्ड और स्पेशलाइजेशन का नहीं, सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है। अच्छा था सर पेपर, बहुत बढ़िया पेपर था यार। और मैं बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं कि क्या प्रेडिक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे प्रश्न आए हैं, और आप बताइएगा कि क्या मैंने आपको यह पढ़ाया है, यस और नहीं। क्वेश्चन कुछ मात्रा में हार्ड थे, कुछ मात्रा में, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनसे बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने पहले भी कहा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या तो नंबर देकर जाता है और अगर नहीं बना तो नंबर लेकर चला जाता है, तो इसलिए कह रहा था कि बड़े प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करना, ऑब्जेक्टिव अगर पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन डेटा पे आए थे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी है, तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीर अगर तुक्का मारे हो तो नहीं बोल सकता भाई, तुक्का मारे हो तो नहीं बोल सकता, एक दिन का सवाल तो है नहीं। जो साल भर मुझसे पढ़ रहा है, जो 30 दिन की क्लास अटेंड की है, वो बढ़िया है। चलिए भाई, जवाब देते हैं, प्रश्न कहां से पूछे गए, जवाब क्या है इनका, और आपको अब क्या करना चाहिए। बिहार बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम हो गया, बाकी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी 6 बजे गिफ्ट है, जरूर आइएगा, हम उसको क्लोज करेंगे। चलिए भाई, हार्ड नहीं था, बिल्कुल नहीं था, 20 मिनट पहले ही बन गया मोनिका सहगल का, बढ़िया है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तरक्की हो, आप लोग को बढ़िया हेल्प मिली हो हमारे पढ़ाई से। स्टार्ट करते हैं और फटाफट बताता हूं मैं, स्टडी बॉय कुशवाहा का बहुत ज्यादा गलत हो गया यार था। अरे यार कुशवाहा कैसा कर रहे हो, यूपी बोर्ड की तैयारी बस ये सभी स्टार्ट होगा। चलो भाई देखो, यहां पर जवाब हम लोग को देखते हैं, 1 to 17 फटाफट मैं आंसर दूंगा, ज्यादा समय मैं आप लोग का लूंगा नहीं, बस आप लोग ये देख लीजिए कि कौन सा आंसर सबसे सही है। पहला प्रश्न, कॉपर टी का कार्य क्या है, आप लोग बताइए कितनी बार बताया है मैंने ये टॉपिक, तो एक क्वेश्चन डन। कॉपर टी का कार्य युग्मरज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना या उत्परिवर्तन को रोकना, कितनी बार बताया है मैंने ये प्रश्न को कि कॉपर टी जो है वो स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहां पर याद रखना, फर्टिलाइजेशन को यहां पर रोकने का काम कर करता है, सी सही जवाब है यहां पर, निषेचन को रोकता है, उनके मिलन को रोकता है, सी इज द राइट आंसर, सी आंसर इसका एकदम सही है। ये 1000 बार ये प्रश्न कराया गया है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप इसे प्रश्न को कर, पता होगा आपको। प्रश्न क्रमांक 2, जननांग में मस्सा निम्न में से किसके द्वारा होता है, जेनाइटल वॉर्ट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस, ए हर्पस वायरस, ट्राइकोमोनास एंड पैपिलोमा वायरस। ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया करवाया है मैंने, बताइएगा जेनाइटल वॉर्ट किसकी वजह से होता है, जल्दी 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 आंसर मुझे चाहिए इसका, क्या आंसर हो सकता है, जेनाइटल वॉर्ट किसकी वजह से हो सकता है, इनमें से क्या आंसर सही है,
और किस तरह से आप इसका सही जवाब, कितनी बार बताया है मैंने ये, कितनी बार बताया है इसके बारे में, जेनाइटल वार्ड्स के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ये किसकी वजह से होता है, कैसा हुआ है, किन किन चीजों से ट्रांसफर हुआ है और वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सही जवाब मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका है कि यह होता है पैपिलोमा वायरस से, डी सही जवाब है, जिस बच्चे ने भी इसे बनाया है बिल्कुल सही जवाब है। तो दो आंसर आपके लिए गिफ्ट हो गए, दो आंसर आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, डीएनए पुनर्योगस तकनीक उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, क्या क्लोनिंग संवाहक का यूज करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज को यूज करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करता है, डी, इन सभी का। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार पढ़ाया है मैंने, प्रश्न क्रमांक 3 का डी आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़िए और बाकी बोर्ड वाले बच्चे भी देखिए कि क्या ये प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं या नहीं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के संयोजित किया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ाया था, कौन से बैक्टीरिया से क्या बनाया गया था? इंसुलिन बनाया गया था, इंसुलिन बनाया गया था, बी सही जवाब होगा इसका, बाकी सारी चीजें नहीं बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने है, जवाब बताइए, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों को लेकर जाता है? ठीक है, यहां पर याद रखना, ये यहां पर जो क्वेश्चन करवाए गए थे उन्हीं सभी प्रश्नों से संबंधित है, बार बार पढ़ाया गया है, कुछ डिटेल में पढ़ाया गया था, कुछ क्वेश्चन वाइज करवाए गए थे, तो आप इनको फटाफट ध्यान दीजिए। कौन सा संवाहक डीएनए के खंडों के लिए था? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ही है, मैंने पढ़ाया था कि डीएनए के खंडों के लिए प्लाज्मिड सही है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन ब्लेंड सिरा उत्पन्न करता है? डीएनए को अगर काटना है तो यह थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन था, लेकिन इको आरवी इसका सही जवाब है कि ब्लेंड एंड को कट करने के लिए, अगर प्राप्त करने के लिए हमें इको आरवी से कट करना पड़ता है, यह सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नांकित में से कौन जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण? थ्योरी में पढ़ाया था मैंने डिटेल में, ठीक है, देखो भाई यहां पर बाकी प्रश्न भी देखो, वनस्पतिक उद्यान, सुरक्षित जैव मंडल, पवित्र उद्वन, वन्य जीव अभयारण्य, कौन स्वस्थान संरक्षण का नहीं है? बॉटनिकल गार्डन, इसे बाहर बसाया जाता है, ए जवाब बिल्कुल सही है, ये एक्सीटू कंजर्वेशन है। प्रश्न क्रमांक 8, देखो इन प्रश्नों को, ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में आए थे, और बताओ कि क्या आपको इसे पढ़ाया गया है कि नहीं। एजोला के बारे में, किसके साथ में रहता है? एजोला रहता है एनाबीना के साथ में, ये पढ़ाया था मैंने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में, उम्मीद है आपको पता होगा। प्रश्न क्रमांक 9, टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? बताया था मैंने कि टैपिटल कोशिका जो है वो क्या दर्शाएगी, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता, क्या करती है? डेफिनेटली एंडोमाइटोसिस करवाती है और उसके पास में बहुगुणित होते हैं, ये पॉलीप्लॉयडी होता है। ये मैंने एक प्रश्न करवाया था टैपिटल कोशिका के बारे में कि यह पॉलीप्लॉयडी होता है, यदि आपने उस प्रश्न को पढ़ा होगा तो यह जवाब आपसे बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? आपको बताना है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है मेगा स्पोर गुरु बीजाणु, इससे आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके जवाब दीजिए बताइए। प्रश्न क्रमांक 10 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 11, बाहर बोर्ड वाले बच्चे देख लो, जो बाकी बोर्ड वाले बच्चे हैं, कि क्या ये प्रश्न आएंगे तो आप बना लोगे, यही जरूरी सवाल है। मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, बताया गया था ऑस्टर साइकिल किसमें होता है? बंदर में, मनुष्य में, ए बी दोनों में और गाय में, डेफिनेटली गाय में, क्योंकि बंदर और मनुष्य में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 11 का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12, मानव शुक्राणुओं का एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गॉल्जी बॉडी से, ना कि केंद्रक से, तो गॉल्जी बॉडी सही है इस आंसर का, एक्रोसोम हमेशा गॉल्जी बॉडी से बनता है, कई बार पढ़ाया है मैंने इसे। प्रश्न क्रमांक 13, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है कहां से? एमनियन से, एलेंटॉइस से, कोरियन से, या कोरियन तथा एलेंटॉइस से, बिना सवाल के बना लेना कोरियन,
पढ़ाया गया है, जिसने हमारी वीडियोस देखी है उनको ये बिल्कुल मददगार होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यस पिंकी, ये सवाल बिहार बोर्ड में आए थे, ये सब पढ़ाया है मैंने। अगर आपने हमारी साल भर की जितनी भी क्लासेस अटेंड की है तो आपको बिल्कुल मदद मिलेगी इससे। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ये तो गिफ्टेड प्रश्न हो गया भाई। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से, कायिक कोशिका के, लघु बीजाणु की, जनन कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नर युग्मक बनाना है, नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से, जनरेटिव सेल। पढ़ाया गया था कि जनन कोशिका जो है वही विभाजन करके नर युग्मक का निर्माण करेगी और ये प्रेजेंट होती है पॉलन ग्रेन्स में, पराग कण में। तो भाई अगर रट्टा अट्टा मार के गए होगे तो ये तो प्रश्न बनने से रहा, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो तो बन जाएगा। यही प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रथम प्रदूषक है, किसका प्रदूषण है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु का, मृदा का, वायु तथा जल का, और जल का, डेफिनेटली वायु का। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जो है वो एयर में हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 16, जैव आवर्धन, हजार बार पढ़ाया इस प्रश्न को, हजार बार ये प्रश्न आपको करवाए भी है मैंने कि बायो मैग्निफिकेशन किस में होता है, डीडीटी में, और कवच खराब हो जाता है पक्षियों का, तो डीडीटी इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 का ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्या मदर सेल किए थे, अरे यार माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना ये आगे जाकर पराग कण बनाएगा। अब ये पराग कण जो है, पराग कण के अंदर है जनरेटिव सेल, और वो जनरेटिव सेल का जब विभाजन होगा तब जाकर बनेगा नर युग्मक। तो इसलिए ज्यादा सही जवाब होगा सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो पराग कण बनाएगी, फिर पराग कण के अंदर जो जनरेटिव सेल है वो नर युग्मक का निर्माण करती है, पूरा पराग कण नहीं बनाता, तो इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है वही आया है भाई। प्रश्न क्रमांक 17 पहुंचो, रेडियोधर्मी प्रदूषक का सबसे प्रतिकूल प्रभाव, पहले ही बताया था कि अगर कोई रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है तो वो आपको क्या करेगा, म्यूटेशन। अगर रेडियो एक्टिव एक्स रे, गामा रे, मैंने बताया था कि इसकी वजह से म्यूटेशन होता है, ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल बनेगा, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न क्रमांक 18, बताओ भाई हीरोइन को कितनी बार पढ़ाया मैंने, क्या ये हीरोइन याद है, क्या ये हीरोइन है याद है, इसे क्या कहते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं उसे। मैंने बताया था डाई एसिटाइलेशन करवाना होता है, डाई एसिटाइलेशन करवाना होता है, सी ऑप्शन सही है कि हीरोइन कौन है, डाई एसिटाइलेशन मॉर्फिन। प्रश्न क्रमांक 19 आपके सामने है, यह तो गिफ्टेड प्रश्न हो गया भाई, एकदम बहुत आसान प्रश्न है। निशु कुमारी पढ़ा नहीं बेटा इसलिए खराब गया, अगर पढ़ते, साल भर मेहनत करते और देखते आप हमारी वीडियोस अच्छे से तो शायद एक प्रश्न भी गलत नहीं होता, कुछ एकाध प्रश्न। इको आरवी वाला पार्ट मैंने नहीं बताया था मालूम है, ठीक है, लेकिन बाकियों को तो पढ़ाया था ना, हिंड 2, इको R1, वो जब बताया कि वो ब्लेंट इंड नहीं बनाते तो एक जो बचा वही बनाता है, तो इसलिए अगर आपने ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल बनेगा। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा क्या कौन सी है, पेंटोज शर्करा है, पेंटोज यानी बताया था 5 कार्बन की शर्करा, हजार बार इसका डायग्राम बना बना के पढ़ाया है मैंने। तो भाई इन प्रश्न को विशाल प्रजापति समझने का समय गया, ये प्रश्न आया था बिहार बोर्ड में, 100% मिल रहा था अगर ध्यान से पढ़े हो। तुम लोग यार साल भर मुझसे पढ़े हो, एक प्रश्न आपसे गलत नहीं हो सकता अगर साल भर मुझसे कोई पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन करवाओगे तुक्का मारना नहीं है, सही जवाब लगाओगे तभी बनाएगा ये। अगला प्रश्न, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किससे देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे से, एक्सरे से ही तो देखा जाता है डीएनए को भाई, तो बी ऑप्शन सही होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। प्रश्न क्रमांक 21, जब डीएनए के एक विलगन के टुकड़े को 80 to 90 degrees Celsius में गर्म करते हैं, बताया था मैंने आपको जब पीसीआर वाला पार्ट था कि जब से ही उसी गर्म करोगे तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब हेलिक्स जो है उनके बीच का वो ओपन हो गया। तो यार हजार बार पढ़ाया गया प्रश्न है ये, तो कई बार पढ़ाया गया है,
ऑब्जेक्टिव अच्छा। अरे प्रशांत पांडे कैसा करते हो यार, इतना पढ़ाया है तुम लोगों को, बताओ 1 मिलियन क्या है भाई? आरएनए विकुंडलन हो जाता है, बी ऑप्शन, अनकॉइल्ड हो जाएगा ये। मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत बनाना पड़ेगा। 21 का बी, 22 का सवाल देखो, जब जायांग स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहे, कई बार पढ़ाया था मैंने, एग्जाम्पल भी बताया था इसका आप लोगों को, पेपेवर सेमनीफेरम का, पेपेवर सेमनीफेरम उसे सिनकार्पस कहते हैं, सिनकार्पस युक्तांड भी अगर जुड़ा हुआ है तो। 23 नंबर का प्रश्न देखो, मनुष्य में दाद की बीमारी, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये फंगल डिजीज के द्वारा होती है। अब इसने क्रीमी लगा दिया है भाई, दाद कहा है ना, रिंग वॉर्म, फंगस के द्वारा होता है। गिफ्टेड प्रश्न है भाई, ठीक है, एकदम आसान, सही, एकदम आसान प्रश्न, कितनी बार पढ़ाया गया है ये। 24 को देखो, एड्स का विषाणु, हजार बार कहा रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कोरोना की तरह वायरस है इसका, और जो रेट्रोवायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनडीआर, उसके पास में आरएनए रहता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर रहेगा बी ऑप्शन पे, तो उसके पास में एड्स का विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होगा, ठीक, ये ऑप्शन हो गया। 25वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? सारे नहीं, और भी पूर्णिमा, इसके बाद एमसीक्यू के अलावा जो है ना और भी रहता है, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन ज्यादातर जो है एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन, राइजोबियम स्यूडोमोनास ईस्ट नहीं करता है, बोथ ए एंड बी, राइजोबियम करता है, स्यूडोमोनास करता है, पढ़ाया गया है प्रश्न ये। 26 नंबर का प्रश्न बताओ, फ्रेंकिया क्या है, जैव उर्वरक है, प्रतिजैविक है, जीवाणु समुदाय है, या फिर आपका बी और सी दोनों है? देखो भाई ये एंटीबायोटिक्स तो नहीं है, फ्रेंकिया एक बायो फर्टिलाइजर है, फ्रेंकिया एक बायो फर्टिलाइजर है, इसे खेतों में डाला जाता था, पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन ज्यादा सही होगा। 27वें नंबर का प्रश्न, मरुस्थली अनुकूलन कौन प्रदर्शित करेगा? यार मरुस्थल में कौन रहता है, अगेव रहता है, ओपेंसिया रहता है, ओपेंसिया रहेगा बिल्कुल, नागफनी रहेगा वहां पर, तो नागफनी रहेगा ना मरुस्थली अनुकूलन में, तो नागफनी आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 28, सेल क्रमक क्या होता है? लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, सबसे ऊपरी परत जो है वो उसके बारे में बताया था, तो सबसे ऊपरी परत लाइफलेस नेक्ड रॉक्ड रीजन, बे ए और सी दोनों हो सकता है, उनके पास में जो है वो जीव रहित होता है, ऊपरी परत जो है, और रॉकी रीजन मतलब नग्न चट्टाने भी उसके पास में हो सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 29, पढ़ाया गया था, ट्रिक पढ़ाया गया था पिंकी, देखो इसका, पूसा सुभरा, कहा था हमने शुभम के वॉल वन पर किसका जो ऐसा कुछ है करके, ठीक है, तो पूसा सुभरा जो है वो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की प्रजाति है कि नहीं भाई यहां पर, ठीक है, कॉलीफ्लावर की प्रजाति है, पढ़ाया गया है भाई। 30वें नंबर का प्रश्न है, बिना निषेचन के पौधे, इतना आसान प्रश्न तो कोई पूछ ही नहीं सकता, बताओ किस्म के द्वारा प्राप्त होता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग से बना सकते हैं क्या? प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांटेशन से, कायिक प्रवर्धन से, बोथ एंड बी, डेफिनेटली बिना निषेचन के वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, ए और बी, नहीं नहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन में कभी भी निषेचन नहीं होता है, ठीक है, तो इन प्रश्नों को पढ़ना है, आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला नंबर का चैप्टर, बहुत बच्चे कह रहे थे इससे नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब उसी से आया है, समझ रहे हैं? कुछ एकाध प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ट्रिटिकम एसिडिवम गेहूं है, हेक्साप्लॉयडी गेहूं, उसमें क्या होता है? देखो भाई हेक्साप्लॉयडी जो गेहूं है उसमें जो है क्या होता है, 7 गुणसूत्र है, अब चूंकि वो 6N है तो 6 × 7 हो जाता है, 42 गुणसूत्र होते हैं उसके पास में, तो डी आंसर होगा, ट्रिटिकम जो एसिडिवम है उसमें 42 गुणसूत्र होते हैं बच्चा लोग। हाँ ये नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े हो, बाकी सब जानते हो, इसको पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि उसके पास 42 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग भूल गए होंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 32, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कहां से है? एडीए डिफिशियंसी जीन थेरेपी में पढ़ाया था मैंने, और इसलिए यह भी बता रहा हूं मैं कि बोर्ड को निकालना आसान नहीं है,
बोर्ड में मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी क्वालिफाई हो पाओगे। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। तो जो चीज एक आध दो ऊपर का बार भाई 100% तो भगवान कोई नहीं है ना। एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? ब्लड प्लाज्मा लिम्फोसाइट। डेफिनेटली हम इसमें टी सेल्स का यूज करते हैं, तो टी सेल का यूज करते हैं इसलिए लिम्फोसाइट आंसर होगा। तो 32 का बी ऑप्शन एकदम सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, ये तो पढ़ाया ही गया है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या है भाई? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एक केमिकल है जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। 33वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल, जिसे कुछ नहीं आता ये याद रखना, ठीक है। यस, आज का एग्जाम है मधु कुमारी, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहां पर सही करिए। देखो यार, पढ़ाया गया था यहां पर क्वेश्चन सॉल्व, यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर आप लॉन्ग थ्योरी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ऐसे ही प्रश्न आपको बन जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तब तो दिक्कत होगी होगी। प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ में पढ़ते हैं, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यकृत है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बताया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होता है उसके निर्माण करने के लिए आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को भी याद रखना। 35 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? पढ़ाया गया था ना, बाकी बोर्ड वाले भी देख लीजिए। यहां पर ऐसे प्रश्न आप लोगों की भी तैयारी हम करवाएंगे। यह प्रश्न दीजिए कि कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? धान का खेत? बिल्कुल नहीं। दीमक? नहीं। कैटल्स, वो लोग जो चारा खाते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, मीथेन बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, निम्न में से कौन सा गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? इनमें से कौन से स्टेज में जो सेल है वो गर्भाशय में जाकर मिलेगा? गर्भाशय में जाकर मिलेगा, जल्दी बात बताइए। यहां पर ब्लास्टोसाइट कहते हैं उसको बेटा, जो गर्भाशय में जाकर मिलता है उसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 37, मानव का भ्रूण किसके अंदर संरक्षित रहता है? मानव का भ्रूण किसके अंदर संरक्षित रहता है? एलेंटॉइस में, एमनियोटिक कैविटी में, फुफ्फुस गुहा में, या पेरिटोनियल कैविटी में? ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई, एलेंटॉइस है नहीं, एमनियोटिक गुहा में, गर्भाशय के अंदर जो एमनियोटिक गुहा है उसके अंदर संरक्षित रहता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर का प्रश्न, बताओ मानव के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जा सकती है? हमने फ्यूचर से लेकर आज तक मानव का डेवलपमेंट जो हुआ है उसे किस आधार पर नापा है? यूवी रेडिएशन, कार्बन डेटिंग, केमिकल रिएक्शन, या रेडियो एक्टिव डेटिंग के साथ में? बताइए। तो मनुष्य में हमारे शरीर का जो केमिकल है उसके पाए जाने वाले जो अवशेष हैं उस आधार पर हमने कार्बन का डेटिंग कर करके हमारी उम्र को पहचाना है, विकास को पहचाना है। प्रश्न क्रमांक 39, अब यह भी बहुत आसान है यार, डायनासोर क्या होगा? ठीक है, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं प्रशांत पांडे, बढ़िया किया है आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अच्छे प्रश्न बनाओ, मेहनत बस करो। डायनासोर कुछ टफ प्रश्न थे, लेवल थोड़ा सा हाई था प्रश्न का, बट बिहार बोर्ड के बच्चे हो यार, और हमारे स्टूडेंट हो, थोड़ा टफ भी आ गया तो कोई बात है क्या? थोड़ा टफ भी आ गया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन मोज लव मिश्रा, लगता बस है कि एमसीक्यू आसान है, जो बिहार बोर्ड में पढ़ता है उसको पढ़ के देखो, ऐसे एमसीक्यू ना मतलब दे के चले जाते। अब इनमें से बच्चों ने, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए भाई, जो बिहार बोर्ड वालों के पास में बहुत भरपूर है। अब अगर इनमें से बन गया तब तो अच्छी बात है, नहीं बना तो नंबर देकर लेकर भी चले जाते। मैं यही कह रहा हूं कि एमसीक्यू मतलब आसान मत समझना, मूड दिमाग सब चाहिए उसके लिए, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक मतलब आंसर गलत, ये थोड़े से टफ प्रश्न भी थे, ऐसा नहीं है कि आसान है। जो इनको बनाकर आया वो बहुत अच्छा बच्चा होगा जिसने प्रॉपर पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है, अब उसमें से अगर बच्चों को ध्यान है तो डेफिनेटली बनेगा। आसान प्रश्न नहीं थे ये प्रश्न टफ थे, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा है उसे जरूर बनेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, एमसीक्यू बनाना आसान सबके बस की बात नहीं है। जीवित सरीसृप है, विलुप्त है क्या? बिल्कुल विलुप्त है, आज दुनिया से जा चुके हैं ये लोग, ठीक। 39 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न, बताओ सीनोजोइक युग किसके नाम से जाना जाता है? सीनोजोइक युग विकास पढ़ाया था मैंने, टफ था, बिल्कुल टफ था यह प्रश्न, जिसने बनाया है उसे बढ़िया है,
जिसने बना लिया है उसके बढ़िया। इस बार प्रश्न बैंक से प्रश्न, बच्चे बोलते रहे प्रश्न बैंक कराओ प्रश्न बैंक, हमने इसलिए नहीं करवाया था, प्रश्न बैंक से प्रश्न इससे ज्यादा नहीं आए इस बार, मॉडल पेपर थोड़ा सा कम प्रश्न आए हैं मॉडल पेपर से। ये प्रश्न टोटल जिस बच्चे ने साल भर अच्छे से मेहनत की है उसके लिए बहुत आसान होगा, और जिसने मेहनत नहीं की है सिर्फ एक आध पंद्रह दस दिन चार दिन पांच दिन की मेहनत है तो उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स हम करवा पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको हमने पढ़ाया है ना, वही तो मैं कह रहा हूं, आपको थ्योरी में पढ़ाया है, अगर वो बच्चे ने ध्यान से पढ़ाए तो डेफिनेटली इसे अच्छे से प्रश्न बनेंगे, सब पढ़ाया है क्योंकि मैंने। हाँ, क्वेश्चंस के भरोसे रहे होंगे कि मॉडल पेपर और ये पेपर वो पेपर तो दिक्कत हो सकती है, तो जनरली कहूं भाई मैं यहां पर कि यहां पर प्रश्न थोड़े से टफ तो आए थे, मानना चाहिए बच्चों को, मतलब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुक्का तो आप मार ही नहीं सकते। ठीक है, और चार पांच दिन की तैयारी में यह होने वाला भी नहीं था। सीनोजोइक युग जाना जाता है, बताओ, डेफिनेटली मैमल्स के लिए एंड मॉडर्न फ्लोरा, आधुनिक वनस्पति के जो अभी है ना एंजियोस्पर्म वगैरह इनके लिए जाना जाता है, ये ए ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर का प्रश्न, अब ये देखो ये प्रश्न जो है, अब जिसने डिटेल पढ़ा है उसको बन जाएगा। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसने पूरा स्ट्रक्चर हमसे पढ़ा है उनसे बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने पढ़ाया है और नहीं पढ़ाए तो दिक्कत आया। हाँ बिल्कुल, जो पढ़ा है पूरा साल भर हमसे, जितने भी पूरी वीडियोस देखी है उनसे डेफिनेटली बनेगा। यस स्टडी बॉय कुशवाहा, जो क्वेश्चंस चार पांच दिन के जो ऐसा करोगे ना, ऐसा नहीं क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा, इनसे प्रश्न नहीं आए थे तो इसलिए कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना। 42 नंबर का प्रश्न, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक कौन सा एंजाइम है? एंडोन्यूक्लियस, सही बात है, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस या टैग पॉलीमरेज, पॉलीमरेज श्रृंखला के लिए टैग पॉलीमरेज, अब इसको तो पढ़ाया ही गया था यार। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 43, इमास्कुलेशन किससे संबंधित है? इसको भी बताया था, इमास्कुलेशन का मतलब होता है नर जो पॉलन ग्रेन वाला भाग है उसको काट देना, तो संकरण से संबंधित है, प्योर लाइन से, क्लोनल सेलेक्शन से या मास सेलेक्शन से, हाइब्रिडाइजेशन, जब संकरण करना हो नया क्रॉस करना हो तो इमास्कुलेशन किया जाता है, और यहां पर जो एंथर है ना उसको कट कर देते हैं, तो 43 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। आप आ गए 44 नंबर के प्रश्न में, मिमिक्री क्या होता है? अपने आप को बदल लेना, जैसे तितली है वो पेड़ के जैसा अपने आप को बदल लेता है, क्यों किया है मिमिक्री, किसकी उपयोगिता है? संरक्षण के लिए, अपनी बचाव के लिए, क्या किसी को मारने के लिए, प्रिडेशन के लिए, या फिर ए और सी या कॉन्सेलमेंट के लिए? जवाब बताना है इसमें से, ठीक है, कि मिमिक्री की उपयोगिता क्या, क्यों मिमिक्री किया जाता है? मिमिक्री से अपने आप को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अपने आप को बचाया जा सके, प्रिडेशन से बचने के लिए, ना कि प्रिडेशन के लिए। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है, कवक मूल एक सहजीवी है। यार ये तो इतना आसान प्रश्न हो गया कि माइकोराइजा किसके साथ में रहता है? एल्गी के साथ प्लांट रहता है कि फंगी के साथ में रूट प्लांट रहता है? तो माइकोराइजा कवक दिख रहा है, कवक और मूल, तो कवक मतलब हो गया फंगस, मूल का मतलब हो गया जड़, तो ये आंसर हो गया बी। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, नाम ही दिख रहा है कवक और मूल, तो आंसर तो बनना ही है, मलाईदार प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न को देखो यार, 46 नंबर का प्रश्न, पारस्परिक आश्रय क्या होता है? म्यूचुअलिज्म किसमें होता है? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों साथ में बढ़िया मजे से कौन रहता है? बटरफ्लाई एंड फ्लावर, बटरफ्लाई उसका पॉलिनेशन करवा देगा, परागण करवा देगा, और वो इसकी मदद कर देगा कि जा भाई थोड़ा सा बढ़िया न्यूट्रिशन ले ले। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर आपको कोर्स को अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया बनेगा। 46 का बी, अम्लीय वर्षा का पीएच किसके नीचे होता है? 5 से 6 से नीचे, 6 से नीचे, 7 से नीचे, 6.5 से नीचे, 4 के आसपास होता है, तो मेरे हिसाब से ए आंसर सबसे सही होना चाहिए, 5-6 से नीचे पीएच होगा। ठीक, 48 नंबर का प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होगा? अब ये प्रश्न क्या है, SO2 PAN एवं धुआं, SO3 PAN और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, SO2 और CO2 और हाइड्रोजन, SO3 और हाइड्रोकार्बन। असल में देखो भाई, सबसे ज्यादा इसमें होता है ओजोन, PAN भी होता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी होता है, तो असल आंसर तो ये तीनों हैं। अब इसमें से जो ज्यादा मिले तो वो किसी से नहीं मिल रहा है यार,
ठीक है, तो यहां पर जो है वो SO3 जो है एक्चुअली यहां पर S नहीं होना चाहिए, O3 मतलब ओजोन हो जाता, PAN मतलब हो गया वो पेरोक्साइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मेरे हिसाब से इसका भी आंसर होना चाहिए बट इसमें प्रिंट मिस्टेक है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 49, कैपेसिटेशन कई बार बताया है, इसकी प्राकृतिक विधि कहां होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जब स्पर्म को ओवा के अंदर जाना होता है, स्पर्म में ओवा के अंदर जाने समय वो कैपेसिटेशन होता है। 50 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण क्या है? कौन है जो जीन की मात्रा पर निर्भर करता है? पढ़ाया गया था भाई, बनाना था, बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, आंखों का आकार, इसको भी बच्ची गलत कर गई। एक्चुअली यहां पर स्किन का कलर ये मात्रा पर निर्भर करता है। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी है तो इसकी वजह से जो है भाई वहां पर स्किन का रंग ज्यादा, अगर पिगमेंट है तो ज्यादा काला होगा, कम है तो कम गोरा होगा, कम काला होगा, मात्रात्मक लक्षण पर निर्भर करता है। 51 नंबर का प्रश्न, एक जीन के विभिन्न रूप कितने बार करवाया गया है? कितने बार करवाया गया है एलील्स? अरे 5 से 6 अगर टफ प्रश्न को हटा भी दो तो अभी तक मैं 51 प्रश्न के 6 प्रश्न को हटा दो, 40 प्रश्न तो अच्छे थे यार, 4-5 प्रश्न ही टफ थे ना, 4-5 प्रश्न ही टफ थे, बाकी सब तो आसान थे ना, तो इसलिए यह आंसर सही है। 52 नंबर का प्रश्न, रेशम के धागा कितने बार पढ़ाया कि रेशम के धागे में हमेशा फाइब्रोइन जो पिगमेंट सॉरी क्या बोलते हैं प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है सिल्क फाइबर में, ठीक है, यह भी पढ़ाया गया है इसको। 53 नंबर का प्रश्न है, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन एंड प्रोटीन सब किस में होगा? लाइसिन पाया जाता है केवल और केवल मक्का में, पढ़ाया गया है बच्चा लोग, मक्का में पाया जाता है लाइसिन, तो ये आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, 55, पेनिसिलिन उत्पादित क्या करता है? पेनिसिलिन में माइटोस्पोर मियोस्पोर जूस्पोर, चल बीजाणु के द्वारा ये जनन करता है, जूस्पोर आंसर सही होगा। 55 नंबर का प्रश्न, फटाफट देख लो कि क्या तुम लोगों ने सही बनाया है या सुनो, कुछ टफ नहीं था, पढ़ोगे नहीं तो सब टफ है और पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं भाई, बिना मेहनत के तो यार कुछ नहीं मिलता है, सांस भी लेते हो ऑक्सीजन जो भी लेते हो वो भी बहुत महंगी है, मेहनत से मिलती है, तुक्का मारोगे गलत होगा, नहीं पढ़ोगे गलत होगा, आसानी से मिल जाता तो फिर ये फिर सपना ही क्या होता, बोर्ड में टॉप मारना लोगों का सपना होता है और उसके लिए मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी। मैंने हजार बार कहा है मेहनत का सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई आसान रास्ता नहीं है, जो बच्चा साल भर मेहनत करेगा जो साल भर पढ़ेगा उसे ही सफलता मिलेगी, जो मजाक में लेगा जो सिर्फ 15-10-12 दिन एग्जाम के टाइम पे हो गया जब मतलब लग गई आग तो पानी लेने दौड़ेगा उसका सफलता उसे नहीं मिल सकती। हां उसको पासिंग मार्क्स लायक मैंने पढ़ा रखा था, पासिंग मार्क्स तो उसके आ ही जाएंगे, लेकिन जो साल भर पढ़ा है टॉप मारना है उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो निषेचन आंतरिक किस में होता है भाई? बोनी फिश में, बिल्कुल सही जवाब, कई बार पढ़ाया है कि जो बोनी फिश होती है उनके पास में निषेचन आंतरिक होता है। 56 नंबर का प्रश्न, विभिन्नता कैसे आती है? विभिन्नता कैसी आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उत्परिवर्तन या निषेचन। इसमें ज्यादा सही जवाब है कि विभिन्नता उत्परिवर्तन की वजह से तो नहीं आती, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है ना लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन से सबसे सही जवाब जो होगा वो डी आंसर सही है। 57 नंबर का प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? कितने बार कराया गया है, कितने बार? ठीक है बताओ, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम? तो न्यूक्लियस शब्द ही बता रहा है यहां पर, न्यूक्लियस से ही न्यूक्लिक एसिड काटा है, तो यदि यार तुमने डिटेल में पढ़ रखा है तो फिर कोई रोक नहीं सकता तुमको। 57 नंबर का, 58 नंबर का प्रश्न बताओ, इसको भी कई बार करवाया है, इसको भी कितनी बार करवाया है? हाथ, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख और वेट का फ्लिपर, तीनों के तीनों जो है एक ही प्रकार के अंग है पर कार्य अलग अलग करते हैं, मतलब ये असमजात नहीं समजात अंग है, तो डी आंसर सही है इसका, कई बार पढ़ाया है इसको। 39 नंबर का प्रश्न देखो, सॉरी 59 नंबर का, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर को जोड़ना,
अब एक बात बताओ, डीएनए को तोड़ के मैंने कहा था प्राइमर को जोड़ना जो है एनिलिंग कहलाता है, ठीक है, तोड़ना डीनेचुरेशन, फिर उसके बाद प्राइमर जोड़ना एनिलिंग, और सबसे अंत में प्रोलिफरेशन, मतलब उसका जो कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इस तरीके से बी आंसर सबसे सही होगा। 60वें नंबर का प्रश्न, 60 नंबर, आरडीटी का साधन कौन सा नहीं है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, सभी कोर्स जो करवाए हैं वो करवाया था, तो बिल्कुल सभी बात है। अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न तो आएंगे। मैं कब कह रहा हूं कि भाई जो आखिरी दिन पढ़ाया था बस वही बस आया है, ठीक है, क्वेश्चन आसान थे, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा। बेटा देखो, कोई भी चीज का शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता, आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए, और अगर आप लोगों ने 30 डे प्लान का भी मेरा अटेंड किया था, तो डेफिनेटली अगर 30 दिन भी आप पढ़े हैं, ठीक है, तो 30 दिन भी आप पढ़े हैं मुझसे, तो उनमें से आप 70 में से डेफिनेटली 60, मतलब 55 से 60 प्रश्न आप बना लेंगे। आप जाकर देख लीजिएगा, 55 से 60 प्रश्न आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, क्वेश्चन भी बनवाया है, ये सारे प्रश्न उनमें से है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो, आप उसे बना सकते हो। हाँ, लेकिन एकदम पक्की बात है कि अगर आप सिर्फ ये सोचो कि आपको अगर रटे भी हो तो भाई थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा आरडीटी, वेक्टर चाहिए, इंट्रॉन चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज? देखो भाई, आरडीटी में संवाहक चाहिए, प्रतिबंधन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, इंट्रॉन, इंट्रॉन नहीं चाहिए होता है। चार दिन पढ़ के सिर्फ पासिंग मार्क्स आते हैं दोस्त, ठीक है, जो साल भर पढ़ता है वो टॉप मारेगा। तो मैं वही कह रहा हूं, किसको पढ़ाया था, जिसको टॉप मारना होगा ये टॉप मारेगा, वो साल भर पढ़ा होगा, ठीक है, चार दिन जो पढ़ा वो पास हो जाएगा, एकदम पक्की बात है, चार दिन जो पढ़ा वो पक्का पास हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए, 61 नंबर का प्रेस, टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? टैक वर्ड ही क्लियर है, ठीक है, मैराथन ली थी मैंने इसके लिए, आपको अटेंड किए होगे तो बन जाएगा। टैक मतलब थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ए सही जवाब होगा, थर्मस एक्वेटिकस से सही जवाब होगा, 61 नंबर का ए। 62 नंबर का, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 मार्च को, 7 मई को, 7 जुलाई को? हमारे हिसाब से 7 जुलाई होना चाहिए, ठीक है, 7 जुलाई एकदम सही जवाब है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 63 नंबर का प्रश्न, एमनियोसेंटोसिस के द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा, द एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ, किसके बारे में पता होता है? एमनियन का, प्रोटीन के, अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव का, बोथ ए एंड बी दोनों, उनके अंदर एक्चुअली एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको निकालकर कार्यक्रम चलाते हैं, तो सी आंसर है, यह भी पढ़ाया गया था आप लोगों को। 64 नंबर का, हुलॉक गिब्बन कहां पाया जाता है? ये नहीं पढ़ाया गया था लेकिन इसको भी पता होना चाहिए, आज ये पढ़ लेना, डी आंसर है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये प्रेजेंट होता है, ठीक, ये आंसर हो सकता है। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 7 जुलाई, ये एग्जैक्ट नहीं, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, कि क्या आंसर होगा इसका, 7 जुलाई को होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वर्ल्ड जो है वो हेल्थ डे ना, 7 अप्रैल है, सॉरी 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल आंसर है, सही समय पे, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट जो है ये ऐसा डेट वेट तो याद नहीं रहता, 7 अप्रैल ही आंसर होगा उसका, सही है, ठीक है। चलिए, अगला, चौथा नंबर का वो क्लियर हो गया, 65 नंबर का बताते हैं, तो 65 में क्या होता है यहां पर, अब सही आंसर इसमें से दिखाइएगा इसमें, ठीक है, एंटीलोब सर्वी जिसको अपन कहते हैं सर्वी कापरा, क्या है ये बताओ, एंटीलाप सर्वी कापरा क्या है? ये प्रश्न एकदम थोड़ा सा कठिन है, ये प्रश्न नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसका पता तो होना ही चाहिए कि एंटीलोब जो है वो क्या है। तो एंटीलोब सर्वाई पर जो होता है भाई, इसमें मतलब याद रखना, वो जो ब्लैक बग होता है ना वो प्रजाति है, तो ब्लैक बग मतलब वो काला हिरण टाइप की जो प्रजाति होती है वही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आज के डेट में, विलुप्त होने की कगार पर, सुभेद है, संकटग्रस्त है, क्या विलुप्त प्रजाति है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, विलुप्त होने की कगार पर तो है धीरे धीरे बेचारी ये, ठीक है, इसी के बारे में कहा जाता है कि ये जो होता थोड़ा बहुत यहां पर बची हुई है। मेरे हिसाब से ये जो है संकटग्रस्त प्रजाति में से आना चाहिए, बी, ज्यादातर खत्म होने लग गई है।
उसके बाद 66 नंबर पे रेड डाटा बुक ये पढ़ाया गया है में कौन सी प्रजातियां हैं जो सुभेद हैं, वनलेबल हैं, आपत्तिग्रस्त हैं, ठीक है, संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए, जिनको ज्यादा संकट है, जो मर रही उन्हें रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे जो है भाई, अब ये जो संरक्षण का दिवस है वो असल में होना चाहिए 27 से 26 जुलाई के आसपास में, पर इनमें से चारों डाटा मुझे नहीं मैं पता लग रहा है, ठीक है। तो ये चार जो डाटा दिए हुए हैं भाई यहां पर, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। कंजर्वेशन डे, ये आंसर इस बार लग रहा है गलत बना दिया इन्होंने। ये नंबर तुम लोग को फुल मिल जाएगा, ये नंबर तुम लोग को इस बार गवर्नमेंट फिर दे देगी पूरा। कंजर्वेशन डे जो है वो 28 जुलाई को मेरे हिसाब से तो लगता है, यहां दिसंबर सब लिख रखा है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 28 जुलाई है। अब देखो कितना नंबर मिलता है, उसका क्या आंसर किया आता है, देख लेना बाद में। फिर आ गया भाई 68 नंबर का प्रश्न, रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन किसे किया जाता है? सेरोलॉजी कहते हैं उसे, ये विज्ञान की शाखाओं में पढ़ाया जाता है, 11th का सिलेबस थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसने। 69 नंबर का प्रश्न, कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है? लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से, फंगल डिजीज है ये, माइक्रोबैक्टीरियम मतलब नॉट फंगल, मतलब माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से होता है। और आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है? डेफिनेटली एड्स, ठीक है, एड्स एंड सिफिलिस, बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर, एड्स एंड सिफिलिस जो है वो विषाणु जनित रोग का है। तो इतने प्रश्न भाई, बहुत सारा चीज जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, और जो चीज थोड़ा बाहर निकल जाए तो नंबर मिलेगा कि नहीं? गोले को रंगने में नहीं, ठीक है, मिल जाएगा शायद, दे दे, ठीक है। तो चलो भाई, तो इतने प्रश्न हो गए, अब आते हैं बड़े प्रश्नों में, इनको देखना कि ये सबसे बड़ा वेटेज है इसका, ठीक है, 1 से 20 नंबर तक सबसे बड़ा वेटेज है, और ये 20 नंबर ज्यादा अच्छे से नंबर देकर जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई जवाब देखो, कलिका तथा पत्रकलिता, बर्ड्स एंड बल्बिल्स, अगेव में बल्बिल होता है, बर्ड्स पाई जाती है किसमें? ये कलिका पाई जाती है, हमेशा याद रखना, जैसे आलू में, इन सब में पाई जाती है, उदाहरण बताना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है, डीएनए को कट करता है, वो यहां पर ये बन जाएगा। स्टडी बॉय कुशवाहा, डर की जरूरत नहीं है, पढ़ना है बेटा। देखो मैं कह रहा हूं, टफ प्रश्न आए थे, बहुत ज्यादा जो प्रिडिक्शन हुआ था उससे बहुत कम प्रश्न आए, ठीक है, अंत के समय पे, जो 4-5 दिन की क्लासेस में उतने प्रश्न उससे नहीं आए। लेकिन मैं डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आपने 10-12 दिन की क्लास भी अटेंड की है तो आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखकर फीवर हो गया, हाँ टफ प्रश्न तो थे भाई, मानना पड़ेगा, मैंने भी देखा कि भाई हाँ टफ प्रश्न है। तो जिसने बेहतरीन पढ़ाया होगा तो उससे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने पूरा साल भर पढ़ा होगा वो आपको बिल्कुल बन जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये बात याद रखना है कि क्या क्या आंसर है, कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। अच्छा हाँ, सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया, हाँ सॉरी 17 का ए नहीं आंसर होगा, खसरा, रेबीज हो सकता है, मेजल्स का, सॉरी, ठीक है, बी ऑप्शन इनमें से हो सकता है। ठीक है, ये मेजल्स वाला आंसर है, उसमें से सिफिलिस, जल्दी में गलत हो गया, वो भी वही होगा, रेबीज और उसका, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा वायरल डिजीज, दोनों वायरल डिजीज है, रेबीज का और इसका, मेजल्स का। ये आंसर थोड़ा सा इसमें से चेंज कर लेना है ना, देख नहीं पाया जल्दी में, एड्स बस ही देखा था, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है ना, ये आंसर नहीं, 70 का वही आंसर होगा, क्या बोल रहे हैं उसको, एक मिनट, है ना, ये कौन सा है, मीजल्स एंड रैबीज, बी आंसर सही है इसका, चेंज कर लेना इसको, है ना। तो ये आंसर हो गया, बाकी प्रश्न भी आप लोग को पढ़ाए ही गए हैं। निम्न में से केवल नामांकित चित्र बनाओ, कैपिटल कोशिका की, मेटाफेज अवस्था की, समसूत्री कोशिका विभाजन, एग्जैक्ट यही कहा था कि बनाना, टीलोफेज का बनाकर दिखाया था, मेटाफेज का आपको बनाना है, ठीक। ये प्रश्न भी आसान है, जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन, इतना आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता यार, ये तो बना के दिखाया था मैंने। पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बताओ, वह पौधा जो कीड़ों से लड़ने में सक्षम होता है पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है। 5वें नंबर का प्रश्न, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, जब एक भोजन पे एक ऐसी श्रृंखला बने कि भोजन जो है वो इसको खाए, वो उसको खाए, वो उसको खाए, वो उसको खाए, वो खाद्य श्रृंखला है।
रोग के रोगजनक का नाम बताओ, अमीबियोसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, न्यूमोनिया का हो गया यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। बताओ यार इतना आसान प्रश्न कौन बनाता है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को बताओ। कोडोमिनेंस, दोनों ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी साथ में प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता एंटीराइनम में होता है, एंटीराइनम में होता है, यह प्रश्न हो गया। मनुष्य के किन्हीं दो गुणसूत्री विकारों के नाम बताओ, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आसान प्रश्न है। प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन में अंतर, ये तो मैंने लिखा के गया था भाई, पूरा आंसर भी दिया था, ये तो बना ही होगा, लिख के दिया था। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, जब समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो अलग अलग क्रॉस कर जाए, जीन विनिमय कहलाएगा। आरएनए का नाम बताओ, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, बताया गया। क्वेश्चन देखो भाई, ये वाले प्रश्न तो आसान है ना। ओपेरॉन को बताओ, संगठक के बारे में बताओ, जेड वाई ए के बारे में बताओ, ऑपरेटर, ऑपरेटर इन सब के बारे में बताओ। प्रश्न क्रमांक 13, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, अब इससे आसान क्या हो सकता है भाई, ठीक, बाइनरी फ्यूजन, एकदम आसान प्रश्न आया है ये वाला। पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र, ये भी बताया गया। तो पढ़ो भाई और पढ़ो, और कुछ नहीं बोल सकते, जो पढ़ा नहीं है उसका आंसर नहीं होगा। चार सरकरा उत्पादक, आलू का नाम बता देना, सैकरम बारबेरी, सैकरम ऑफिसनेरम, ठीक है, ये हो गया। और गेहूं में लिख लेना, उसमें भी सरकरा होती है, ठीक है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, और भी नाम लिख सकते हो। जीन कोष क्या है, जीन पूल, एक बहुत बड़े एरिया, कंप्लीट जीन सिलेक्शन जो है उसे जीन पूल कहते हैं। अब सारी अभिसारी विकास बताओ, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, जब दो प्रजाति एक तरफ आ रही हो तो कन्वर्जेंट, दूर जा रही हो तो डाइवर्जेंट। फिर ये बड़े प्रश्न आ गए, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन बताओ, प्रैक्टिकल एडप्टेशन, जैसे डार्विन फिंच में हुआ था वही सब है। बंधकरण से आप क्या समझते हो बताओ, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, कैसे नर और मादा जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो बनाओ यार इन सब चीजों को, और क्या। हां बिल्कुल, मुस्कान नाज वो हो सकता है, ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछो मत। अब बड़े प्रश्न आपके सामने हैं, इनको भी देखो। जैव उर्वरक के बारे में कई बार बताया हूं, फ्रेंकिया बायो, और आपका ग्लोमस, ये वो सब बायो फर्टिलाइजर है, मजा आगे नहीं, ऐसे प्रश्न ही चंदन टंडन, बिल्कुल पढ़ भी अच्छे से। प्रीतक, पीड़क प्रबंधन क्या है, ठीक है, व्हाट इज पेस्ट मैनेजमेंट, बताया था मैंने इसको, कैसे बीटी कॉटन, ये और उसका मेलोडिजाइन इनकॉग्निसिया कैसे यूज करते हैं, बनाओ इसको। वॉटसन तथा क्रिक्स का डीएनए की संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल बताना है पूरा। मेसलसन स्टॉल का प्रयोग, इतने बार पढ़ाया, इन सब चीजों को याद करो यार। 24वें नंबर का प्रश्न, बैक्टीरियो का लाइटिक चक्र पूरा बताओ, कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जीवाणु के अंदर और जीवाणु के बैक्टीरिया के बाहर और बैक्टीरिया के अंदर दोनों कैसा चक्र चलाता है। कृत्रिम परिवर्तन, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है। आनुवांशिक संशोधित फसल क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बताया बीटी कॉटन वगैरह वगैरह, बना लेना। मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताना है आपको। तो इस तरह से ये प्रश्न करवाए गए हैं भाई, और सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, लगभग आपको, मतलब जिन बच्चे ने अंत समय में भी मुझसे पढ़ा है, 10-15 दिन का भी कहानी करी है, तो उसका पासिंग मार्क्स के प्लस 50, मतलब अगर मान लो पूरा उसमें से जो है क्वेश्चन 70 में से मान लो 50 वो बना लिया होगा, 20 और इसमें से अगर मान लेते हैं उसने बना लिया होगा कि 5-5 मार्क्स के प्रश्न थे, तो 5 और 5 मिलाकर यहां पर बहुत सारे प्रश्न है, 15 प्रश्न है यहां पर, ठीक है, तो 15 नंबर का यहां पर, तो कुल मिलाकर मान लो 50-70-80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे यार, तो पासिंग मार्क्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4-5 दिन पढ़ के भी पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर आ गए, सेकेंड थर्ड डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन तक टच कर दोगे। हाँ, जिसने साल भर पढ़ा वो टॉप मारने की तरफ में जाएगा, ठीक है। तो यही तक था हमारा सफर बिहार बोर्ड वालों के लिए, अब नीट के लिए आप लोग हमारी सेवाएं ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट भी सीखिए बिहार बोर्ड से, टफ प्रश्न आए हैं इस बार, आपके भी टफ आ सकते हैं, तो मेहनत थोड़ी सी बेहतर करिए, अपनी मेहनत को धार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अच्छे प्रश्न के साथ में, और आपको टॉप कराने के लिए हमारा संकल्प ऐसे ही जारी रहेगा, और आपको हर प्रश्न की जानकारी, हर बोर्ड की जानकारी, और धीरे धीरे आप लोगों को, जिसने मैंने कहा था कुछ नहीं आता तो 10% की तैयारी करवाएंगे, 10% आता है तो 20 की, 20 का आता है तो 30 की,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद है आप लोगों को ये मदद मिली होगी और आगे भी हमारी मदद मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना, 6 बजे गिफ्ट है आपके लिए, आइएगा जरूर।